भाजपा भैया आपका समर्थन किसे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, वजह? उसके क्या काम से संतुष्ट है? आपका समर्थन केवल मोदी। कैंडिडेट कोई खास मायने आपके? कोई नहीं, हम तो भूखे रह खुद हैं। आपका समर्थन किसे? तो आप हमें सर आपका समर्थन? राष्ट्रीय लोकदल। आपका समर्थन सर किसे? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। तो आपको लगता है कि क्षेत्र में उन्होंने काम कराया है? आपको लगता है कि इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो वो पहले से बेहतर काम कर सकेंगे? बहुत बेहतर करेंगे। हमने देखा कि यूपी के दिल्ली के चारों तरफ जब हम देखते हैं तो विकास की दौड़ में बड़ौत कहीं पीछे छूट गया। कुछ लोगों ने इसकी अलग अलग वजह गिनाई है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही है? वजह तो लोग भाग गए तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो पार्टीबाजी है। जब किसी की जो है राज्य सरकार में है तो मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने का काम करेंगे। किसानों का भला रालोद सरकार के? रालोद ही सबके भले के लिए। रालोद सबके भले के लिए। तो सर आपका समर्थन किसे? ओनली मोदी। रालोद को आपका समर्थन नहीं है? बिल्कुल नहीं। वजह? वजह यह है कि यहाँ सिर्फ एक क्षेत्र में एक समस्या गन्ने की, और वह है रहेगी, वह कभी खत्म नहीं हुई गन्ने की समस्या आज तक। आपको लगता है गन्ने का कोई समाधान नहीं है? गन्ने का समाधान हो नहीं सकता। वजह? वजह इसलिए क्योंकि गन्ना छत पर तो बूतता नहीं, लेकिन जिसके पास 2 बीघे धरती वो 5 बीघे गन्ना बोवे। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान ये है, फसल चक्र अपनाए लोग, बाग गन्ने को कम बोवे तो अच्छा भाव मिलेगा। आपको लगता है मोदी जी इनका समर्थ इनका इलाज निकाल सकते हैं इस चीज़ों का? हाँ, मोदी जी ने काला धन वालों का इलाज निकाल दिया, गन्ने का भी निकाल देंगे। ताड़े बहुत महंगी है, सब्जियां बहुत महंगी है, केवल गन्ना है, और कुछ है ही नहीं। लगता है कि लोगों को और चीज़ें बोनी चाहिए? यदि फसल चक्र अपनाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। इस बारे में सर आप क्या? एक बात बताओ साहब, हमारे यहाँ तो क्षेत्र है लोकदल का जी। अच्छा, रही बात किसान की, किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल है जी। आप जवाब दीजिए। जो कृषि है, सड़क है, परिवहन है, ये राज्य सरकार का विषय है। इसमें कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कृषि में कोई भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। सर ये बात सच है कि ये चीजें राज्य सरकार की लिस्ट में आती है? नोटबंदी से सारे आदमी बेरोजगार हो गए, क्या समझे? सड़कों पे है, हर आदमी बेरोजगार है, और जो है जो घूम रहा सब बेरोजगार है, बाकी क्या तो झूठ। अगर मोदी जी रैली करते हैं तो आपके सवाल क्या होंगे उनसे? पहले तो हमारा पेमेंट दुआ दो, डोना नु कहता 600 रुपए क्विंटल का वादा दिलाएंगे। जाट कॉलेज में सभा हुई थी, ये कह के थे मोदी जी अगर हमारी सरकार आई लोकसभा में तो हम आपको 600 रुपए क्विंटल का वादा दुआओगे। 600 रुपए क्विंटल का, और हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा। बताओ, लगता है बड़ौत में लोग मोदी जी की वादा खिलाफी से बहुत गुस्से में हैं, नोटबंदी से भी बहुत गुस्से में हैं, कि लोकल के विधायक से आपकी कोई उम्मीदें हैं? लोकल के विधायक सब विधायक हो गए, विधायक कोई किसी को काम नहीं करता, हमारा विधानसभा है। अगर रालोद के विधायक आएंगे तो आपको उम्मीद है कि वो गन्ने का पेमेंट करा सकेंगे? पता नहीं, कोई नहीं कराता जी, यहाँ तो पता नहीं कोई है, कोई नहीं है। पेमेंट ये तो अपने पे इस समय, यू किसान तो यहाँ का तो अपने पे निर्भर, ये किसी सरकार के निर्भर नहीं है, क्योंकि सरकार को जानते नहीं क्या क्या पॉलिसी है, क्या है नहीं, क्या नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपकी राय के बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आपकी राय के लिए सर धन्यवाद।